नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। विंध्य की उपेक्षा पर फिर भड़के मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी, कहा सरकार लगातार विंध्य के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार द्वारा 25 निगम मंडल की नियुक्तियां हुई लेकिन विंध्य में किसी को मौका नहीं मिला, या फिर ये कह जाए कि सरकार के नजरों में विंध्य में कोई ऐसा सशक्त नेता ही नहीं जो इस काबिल हो। सरकार को विधायक मेहर ने चेताया कि विंध्य के लोगों के साथ भेदभाव आने वाले दिनों में महंगा पड़ेगा सरकार को। मनीष गर्ग, सतना। कि हर बार की तरह इस बार भी बिंद की उपेक्षा हुई। 25 निगम मंडल अध्यक्ष कल 24 तारीख को बनाए गए, जिनमें एक भी बिंद में वो काबिलियत नहीं थी कि कोई निगम मंडल का भी अध्यक्ष बन सके। लोग कहते हैं मैं बोलू ना, मौन रहूं, चुप रहूं, कहीं कहते हैं कि मैं बगावत करता हूं, बागी बन चुका हूं, पर मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है जब हमारे बिंद की उपेक्षा होती है। ना मैं कोई इस दौड़ में था, ना मुझे इस तरह का झुनझुना बजाने वाला ये सब चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी भी जागिए, अभी भी अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, तभी आप सबको मिलेगा जिनको चाहिए। जब तक लड़ेंगे नहीं तो ये नहीं मिलेगा। बिंद की उपेक्षा हम आप सब कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब समय आ गया है कि हमें अपने बिंद की एकजुटता दिखाना है और बिंद को मजबूत करना है। तो आओ।